अगर आपका मन हो रहा है कुछ मीठा खाने का तो मैं लेकर आ गई हूँ बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी आपके लिए, जो कि है ब्रेड पुडिंग रेसिपी। तो इस रेसिपी को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। चलिए चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। आइए सबसे पहले चलते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके घर में इजीली अवेलेबल होंगे। ये मैंने लिए हैं 3 अंडे, 4 ब्रेड के स्लाइस, सेफ्रन ये ऑप्शनल है, ये है वेनिला एसेंस ये मस्ट है, ये मैंने लिया है कंडेंस मिल्क, आप यूज़ कर सकते हैं शुगर, घी ग्रीस करने के लिए और मिल्क। चलिए चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले ले लेंगे हम 1/2 लीटर मिल्क। जो क्वांटिटी है वो मैं स्क्रीन पर हमेशा की तरह मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये मेरा 1 लीटर का पैकेट है तो मैं इसमें से 1/2 लूँगी क्योंकि मुझे 1/2 लीटर रिक्वायर्ड है। ये बहुत इजी एंड क्विक रेसिपी है। अगर आपके पास ब्रेड है यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं तो आप इस तरीके से ब्रेड को यूटिलाइज कर सकते हैं और इससे आपका बहुत ही अच्छा मीठा बनेगा। अब हम दूध में ऐड कर लेंगे हमारा वेनिला एसेंस। अब इसमें ऐड करेंगे हम हमारा कंडेंस मिल्क। मैंने जैसे कि हमारे ग्रॉसरी हॉल की वीडियो में आपको बताया था कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई हैं, तो वैसे ये कंडेंस मिल्क था तो मुझे इसको यूटिलाइज करना था, शुगर की जगह मैंने इसे यूज़ किया है। बट आप शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली मैं शुगर ही यूज़ करती हूँ पर ये मुझे ख़त्म करना है तो मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें हम ब्रेड के पीसेज ऐड कर देंगे। रफली इसको हम हाथ से तोड़कर इसमें मिक्स करेंगे और इसे करते हैं जल्दी जल्दी हम मिक्स। इसको हाथों से हम अच्छी तरीके से जो है वो सॉफ्ट कर लेंगे मिल्क के साथ में, ताकि जो इसके पीसेस हैं वो ना रहे, ये पूरा दूध में जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसको जल्दी जल्दी से हमने कर लिया है मिक्स। यार रमज़ान में तो आप मीठा नहीं चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल डेज में बना रहे हैं तो आप इस वक्त अगर शुगर ऐड करते हैं एग ऐड करने के पहले तो आप आपके जो वो मीठे की मिठास है वो चेक कर सकते हैं। अब मैंने ले लिए यहाँ पर 3 अंडे, ये पहले हम अलग बाउल में इसको अच्छी तरीके से लेकर बीट कर लेंगे। ये हमने इसको कर लिया अच्छी तरीके से बीट। अब ये हमारा बीट किया हुआ एग जो है वो हमारे मिक्सचर में हम ऐड करेंगे। अगर आप इस तरीके से कर लें तो आपका अंडा जो है वो प्रॉपर तरीके से मिल्क में मिक्स हो जाता है, जल्दी मिक्स होगा ये इस तरीके से। अगर आप डायरेक्ट उसमें करेंगे तो कभी कभी अंडे ख़राब भी निकलते हैं तो आपका पूरा जो बैटर है वो वेस्ट हो जाएगा। अब हम इसको विस्क की हेल्प से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फोक भी यूज़ कर सकते हैं। बस अब हमें इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ सैफरन। आप इसकी जगह जो है वो फूड कलर ऐड कर सकते हैं आपकी पसंद का। नॉर्मली हम इसमें जो है वो येलो फूड कलर ऐड करते हैं, लेमन येलो जो होता है, तो मैंने इसमें सैफरन ऐड किया है। इसकी वजह से ऑटोमेटिक उसको जो है वो हल्का सा येलो कलर आ जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने कंडेंस मिल्क यूज़ किया था तो उसकी वजह से भी इसका कलर जो है वो प्रॉपर वाइट नहीं था, हल्का येलो ही शो गया था। अब हम ले लेंगे हमारा एक पैन। आप जो भी बर्तन ले रहे हैं आप ये चीज़ नोटिस करें कि आपका जो बर्तन का जो बेस है वो फ्लैट होना चाहिए,
राउंड अगर होगा तो ये प्रॉपर कुक नहीं होता है, तो अगर आप फ्लैट बेस का बर्तन लेंगे तो इवनली कुक होगा वो। अब इसको हम अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारी पुडिंग जो है वो बेस को स्टिक ना हो। हमारा बैटर अब हम इसमें पोर करेंगे और इसको बिल्कुल ही हल्की फ्लेम पर हम कुक करने के लिए रख देंगे। इसको जस्ट हम कवर करेंगे और बिल्कुल लाइट फ्लेम पर हमने इसको कुक करने के लिए रखना है। ये मैंने एडिशनली ऐड कर दिया था ऊपर से कलर कि जस्ट ऊपर थोड़ा सा डार्क कलर हो जाए। इसको मैं विस्क की हेल्प से जस्ट ऊपर ही थोड़ा सा स्प्रेड कर लूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये हमने कुक करने के लिए रख दिया था, ये बीच बीच में आप चेक कर सकते हैं 15 to 20 मिनट्स मैक्सिमम इसको रिक्वायर्ड होते हैं कुक होने के लिए। ये देखें अब इसमें हम छुरी डालकर चेक करेंगे सेंटर में, अगर ये क्लीन निकल आती है इसका मतलब आपकी जो पुडिंग है वो रेडी है। और अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट। बहुत जल्द मिलेंगे हम अपनी अगली रेसिपी के साथ।